दाऊद के पुत्र यरूशलेम के राजा उपदेशक के वचन। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है, वो शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहां से वो फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वो उत्तर की ओर मुड़ती है, वो घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र नहीं भरता, और नदियां जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती हैं। ये सब इतना नीरस है कि कोई भी इसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वो फिर होगा, जो किया जा चुका है वो फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो ये तो नई बात है। वो भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का शासक था। मैंने आकाश के नीचे जो कुछ घटित होता है उसकी छानबीन और खोज में अपना मन लगाया। यह एक कष्टप्रद कार्य है जिसे प्रभु ने मनुष्यों को सौंपा है। मैंने आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप देखा है। यह सब व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं किया जा सकता और जो है ही नहीं उसकी गिनती नहीं हो सकती। मैंने अपने मन में सोचा कि अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से मैंने अधिक प्रज्ञा प्राप्त की है। मुझे प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार मिल चुका है। फिर भी मैंने ये जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा क्या है, पागलपन और मूर्खता क्या है, और मैं समझ गया कि ये भी हवा पकड़ने के बराबर है, क्योंकि प्रज्ञा के बढ़ने के साथ साथ दुख भी बढ़ता है और जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतना अधिक कष्ट भी होता है।